ठीक है, चलो देखो, चलो देखो, शाबाश भाई। स्मार्ट टी हमें, ठीक है ऐसे ही है। तो टी हमने सपोज कर लिया x-60 के बराबर ना, तो अगर मैं टी बार निकालूं तो ये बराबर होगा x-60 के। क्या ये बात समझ आ गई मिनाल? जी सर। तो टी बार का फॉर्मूला डाल दिया, एक्स बार का फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक्स बार की वैल्यू निकालनी है। एक्स बार यहां से अलग हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? जी सर। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। हमने यू सपोज कर लिया x-50 को, तो सिग्मा यू मुझे निकालना है। अब यू बार बराबर होगा x-50 के। एक्स बार की वैल्यू है, यू बार के लिए मैं फॉर्मूला डाल दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो सिग्मा यू की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? मिनाल, अहमर, दोनों को ये बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। मिनाल बेटा समझ में नहीं आई तो बताएं, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। नहीं सर, आ गई। ठीक है, अब पार्ट थ्री कैसे करेंगे? देखो बेटा, एक बात याद रखो, जब भी तुम्हें सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, क्योंकि सिग्मा एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन में ही मौजूद होता है। तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ था, तो मैंने कहा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू बराबर होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू के लिए मैं फॉर्मूला लगा दूंगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के लिए मेरे पास वैल्यूज हैं। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल दूंगा और उसको सेपरेट कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये कैलकुलेशन समझ आ गई बेटा? जी सर आ गई है। मिनाल जी बेटा आपको सर। भी क्लियर है? ठीक है, इसको नोट डाउन मत करिएगा, क्लास के बाद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अगला एक और सवाल करा दूं आपको। आवाज आ रही है? जी बेटा आगे बढ़ जाऊं? जी जी सर बढ़ जाएंगे। आ गया मैं भी। चेंज जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। ये वाला सवाल देखें जरा, इसके सोल्यूशन देखें जरा। तो देखिए यहां पर आपको क्या दिया हुआ था, सिग्मा x-50 दिया हुआ था, ये समर 20 का पेपर है, और सिग्मा x हमें दिया हुआ था, हमसे n निकालने को कह रहे थे। तो बेटा x-50 वाली फॉर्म थी तो मैंने उसको t सपोज कर लिया, और उसके बाद मैंने x बार
का फॉर्मूला लिखा सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहां से मैंने एक्स बार की वैल्यू निकाल ली, क्या ये बात समझ आ गई? ये छोटी सी बात समझ आ गई? तो क्योंकि टी बार बराबर है एक्स बार माइनस 50 के, टी बार हो जाएगा सिग्मा टी अपॉन एन और एक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। देन मैं यहां से एन निकाल लूंगा, क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? दोबारा से सुने, टी बराबर था बेटा एक्स माइनस 50 के, तो मैंने कहा टी बार बराबर होगा एक्स बार माइनस 50 के, तो टी बार का फॉर्मूला बेटा सिग्मा टी अपॉन एन, बेटा एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, एंड देन हम यहां पर सिंप्लीफिकेशन करके एन निकाल लेंगे, क्या ये बात समझ आ गई है? जी सर। इसको नोट डाउन कर लें, छोटा सा सवाल है। सर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल आ देता हूँ आप लोगों को कुछ पास कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क करेंगे, कर लेते हैं बल्कि। कह रहे हैं सिग्मा एक्स माइनस 110 दिया हुआ है, 30 कार्स हैं, एन है मेरे पास 30, टी सपोज कर लिया मैंने एक्स माइनस 110, सिग्मा टी मेरे पास आ गया माइनस 47.2 और सिग्मा टी इस पर आ गया 5460। मीन निकालना है तो बेटा टी बराबर है एक्स माइनस 110 के, तो टी बार बराबर हो जाएगा एक्स बार माइनस 110 के, हो जाएगा सिग्मा टी अपॉन एन, एन कितना भाई 30। मीन निकालना है तो सिग्मा टी का मतलब है ये हो जाएगा माइनस 47.2 अपॉन 30 प्लस 110 इज इक्वल टू एक्स बार, क्या ये पार्ट समझ आ गया? बेटा ये आ जाएगा 108.43। बेटा क्या ये पार्ट समझ आ गया सबको? जी सर आ गई है।
तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है x की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वही होगी जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ t होगी। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ t का, तो वो हो जाएगा सिग्मा t स्क्वायर अपॉन n माइनस t बार का स्क्वायर। तो सिग्मा t स्क्वायर का मतलब हो गया 5460 अपॉन 30, और टी बार का मतलब है -47.2 अपॉन 30 का होल स्क्वायर। हाँ भाई मिनाल क्लियर है बेटा? जी सर। तो बेटा पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल देते हैं, 5460 अपॉन 30 -47.2 डिवाइड बाय 30 का स्क्वायर, बेटा ये आ रहा है 13.39। तो 13.40 कर देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे। सवाल क्लियर हो गया बेटा? सवाल क्लियर है बेटा? जी सर। इसका स्क्रीन सॉरी इसको नोट करें। सर हो गया कॉपी। अच्छा फाइनल कर लिया बेटा? जी सर कर लिया। अच्छा मैं सवाल ला दे रहा हूँ। इसका अगला पार्ट जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, अभी पढ़ा नहीं है हमने, सही है? ऐसे तो वही पेपर कर लिया। क्या हो रहा है, क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। इसमें भी नहीं,
स्क्रीनिंग है। सर मेरी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं ये होमवर्क रिकॉर्डिंग में से देखूंगा। चलो चलो ठीक है, मैं फिर ग्रुप पर डाल दूंगा तस्वीरें। चले सही, कोई बात, थैंक यू। मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, मैं ना आपको भी मैं ग्रुप पर डाल दूंगा तस्वीरें। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। सर मुझे एक और बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा बोले। मेरी